तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बताएंगे कि पावर बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया जाता है 16 एम्पियर का। तो हमारे पूरे वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें दो सॉकेट लगा हुआ है, दो स्विच लगा हुआ है बगल बगल में। तो ऊपर हमने स्विच फिट कर दिया, नीचे सॉकेट फिट कर दिया। वो आप देख सकते हो, 5 पिन सॉकेट इसे कहते हैं। 16 एम्पियर का ये स्विच है, 16 एम्पियर का जो पावर में है, बड़े साइज में है। छोटे साइज में भी आता है और इस बड़े साइज में आता है, तो हमने बड़े साइज में लिया हूँ। तो इसी प्रकार के आज कनेक्शन करना बताएंगे स्विच का कैसे कुछ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में इसी तरह से इसका वो मिल जाता है बोर्ड। अगर ये नहीं मिलेगा तो आपको लकड़ी का सरमाइका का मिलेगा, उसे तरह ले आना है। स्विच सॉकेट तो अलग से आता है मार्केट में। तो ये देखिए, पीछे पत्थर का है स्विच और सॉकेट, दोनों भी पत्थर इसमें लगा हुआ है। तो ये कनेक्शन करना बताएंगे कैसे कनेक्शन किया जाता है। आप घर पर बैठकर भी इसे कनेक्शन कर लेते हैं। एक एक सामान ले आना और घर पर कनेक्शन करना तो अच्छा हो जाएगा। तो ये बोर्ड जैसे हम लगाएंगे, अगर अगर हमें लगाना होगा बोर्ड, तो ये इसे एक से पानी गर्म करने के लिए हो जाएगा और दूसरा मोटर चलाने के लिए हो जाएगा। या हम लगाएंगे एक से फ्रिज चालू करेंगे और ये दूसरा एक से मिक्सर चलाएंगे अगर किचन में लगाएंगे तो। तो इसी प्रकार से बोर्ड इसे बनाया जाता है। तो दो बहुत से लोग लेते हैं बोर्ड। तो इसी प्रकार से अगर मार्केट में बना बनाया लाते हैं तो महंगा पड़ जाता है। तो घर पर आप बनाएंगे और सीख जाएंगे आसानी से। तो आपको 1 मीटर वायर ले लेना है, आधा आधा मीटर का लाल काला, और पेचकस टेस्टर ले लेना है। तो इसी प्रकार से आपको कनेक्शन करना है दोस्तों। तो आप देख लीजिए, न्यूट्रल हो गया, फेस हो गया, अर्थ हो गया। इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है और इसमें स्विच में 2 पॉइंट दिया रहता है, जो एक एक मेन फेस की हो जाती है, एक हाफ की हो जाती है। स्विच में 2 पॉइंट दिया रहता है और सॉकेट में दिया रहता है 3 पॉइंट, एक अर्थ की, न्यूट्रल की, हाफ की हो जाती है। और इसे 5 पिन सॉकेट बोला जाता है क्योंकि इसमें 5 सुराख रहता है, तो 5 पिन सॉकेट बोला जाता है। तो हमने काली वाली वायर को ले लेना है। सबसे पहले हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, देखिए कैसे न्यूट्रल का कनेक्शन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें लगाना है इसमें। हमने पहले गलत लगा रहा था, लेकिन अब सही न्यूट्रल यहाँ हमारा लगता है। तो न्यूट्रल को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए, हमारा किनारे साइड पर न्यूट्रल लग जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। और फिर इस ये साइड पर लग जाएगा न्यूट्रल हमारा। ये काली वाली हमारी न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं। एक दोनों सॉकेट को हमें ज्वाइंट कर देना है न्यूट्रल से, क्योंकि दोनों में हमें न्यूट्रल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें न्यूट्रल एक साथ को चलाना रहता है। न्यूट्रल हमारा हमेशा करंट उसमें सप्लाई रहती है, जो कि ये ठंडी वायर बोली जाती है न्यूट्रल। तो ये हमेशा इसमें सप्लाई रहता है न्यूट्रल में, जो कि इसमें करंट नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से आपको कनेक्शन कर देना। ये देखिए, हमारा दो कनेक्शन हो गया, आप इसे देख सकते हैं न्यूट्रल का। आप इसे ही कनेक्शन करना है आपको। ये देखिए, हमने दोनों सॉकेट को ज्वाइंट कर दिया हूँ। आप इसमें बढ़ती है लाइन की वायर, जो कि फेस हो जाएगी। तो हमने फेस अब स्विच कनेक्शन करेंगे। ये देखिए, हमने अगर जितना स्विच रहेगा, हमने एक साथ को दोनों पॉइंट में मिला देना है। हमें नीचे नीचे ही मिलाना है, नीचे। हम ऊपर भी लगा सकते हैं दोनों से ज्वाइंट करने। तो हमें फेस का मतलब होता है हमारे जितने स्विच लगे रहेगी जिस बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में कितना भी स्विच लगा रहेगा, तो उसमें हमें फेस को ज्वाइंट करना है। एक स्विच से सारा स्विच में, सभी स्विच में लगा देना है एक एक पॉइंट से। तो इसी तरह से ज्वाइंट कर देना है, दूसरे स्विच में लगा देना है। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया दोनों स्विच का। अगर हम 3 लगाएंगे तो फिर भी उसका भी ऐसे कनेक्शन करेंगे, तीनों एक साथ ऐसे लगेगा। तो इस तरह से देखिए, लग गया हमारा इसे। अब हमारा ये देखिए, दोनों पॉइंट में लग गया हूँ। अब एक एक पॉइंट बच रहा है, आप देख सकते हैं एक पॉइंट बच रहा है स्विच में और एक पॉइंट इसमें बच रहा है सॉकेट में। तो हम इसे इससे आमने सामने ऊपर से नीचे कर देंगे सॉकेट में, इससे ऐसे कनेक्शन रहेगा इसमें। तो हम ऊपर स्विच, हमारे नीचे सॉकेट है, तो आमने सामने हम करेंगे इसका कनेक्शन। जिस स्विच से चाहें, जो स्विच से चला सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने हाफ वायर से यहाँ ढीला कर लिया हूँ और इसके बाद टाइट कर देता हूँ। यहाँ हाफ वायर हमारा ये निकल गया, अब इसमें लग जाएगा हाफ। तो लाइन पर
देखिए हमने सॉकेट में लगा दिया हूँ लाइन पर, अब इसमें भी पूरा सेट हो गया। हमने दोनों तार न्यूट्रल और लाइन का कर दिया हूँ। अब एक बचती है जो मोटी वाली हमारी बड़ी वाली, वो अर्थ की। तो अर्थ की हम किसी वीडियो में अर्थ के बारे में बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इस बोर्ड का कनेक्शन करना बताते हैं। तो इसमें हमारा ये देखिए लगा हुआ है, इसमें दोनों हो गया। आपको जहाँ जहाँ लगाना है यहीं यहीं पर लगाना है, आपको ऐसे ही कनेक्शन करना है। आप इसे देख सकते हैं। अब दूसरा हमारा दूसरा भी सॉकेट का ऐसे सेम होगा कनेक्शन, जो हाफ वायर दो दो स्विच का जो दूसरा पॉइंट बचा हुआ है उसमें, और जो सॉकेट का दूसरा पॉइंट बचा हुआ है उसमें हमें लगाना रहता है। तो इसी प्रकार से ये देखिए, अब बहुत सरल तरीके से आपको हम बताएंगे, आसान तरीके से आप सीख जाओगे दोस्तों। इस तरह से ये देखिए। तो दोस्तों हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि नई नई वीडियो हम बनाते रहते हैं, अच्छी जानकारी देते रहते हैं, सही जानकारी हम बताते हैं अपने चैनल पर। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये देखिए लगा लेना आपको वायर को, और उसके बाद वायर को हमें सेट कर लेना है एक दूसरे जगह से। हाफ वायर हमारी हो गई, तो आप देख सकते हैं इसे हमें ऐसे ऐसे लगाना, ऊपर नीचे नहीं रखना है, आपकी मर्ज़ी रख सकते हैं। जब ये पावर ये चलेगा तो ये गर्माएगा, तार हीट होगा, जब हीटर वूटर इसे लगाएंगे तब ये हीट हो जाता है। एक ये हम कहीं बोर्ड कई जगह का उपयोग कर सकते हैं, किचन में भी उपयोग कर सकते हैं, और बाथरूम में वहाँ पर भी इसे उपयोग कर सकते हैं, पानी गर्माने के लिए, वाशिंग मशीन चलाने के लिए, या मोटर वोटर चलाने के लिए। तो इसे देहात में ज़्यादा यूज किया जाता है इस बोर्ड को। तो इसके बाद हम फेस को 240 वोल्टेज जो हमारा यहाँ आएगा मेन सप्लाई मेन, तो इससे हम ये लगा रहे हूँ, देख सकते हैं आप। जो हमारे स्विच में ये देखिए जो हमने शार्ट किया हूँ, एक दूसरे से स्विच को मिलाया हूँ, उसी में हमें नीचे पॉइंट पर लगा दिया ना है। हाफ में जो हमने हाफ वायर एक एक पॉइंट बच रही है उसमें नहीं लगाना, हमने जो सारे स्विच को शार्ट किया हूँ हमें फेस देना सभी स्विचों में। तो इसी प्रकार से लगा देना है। तो ये देखिए हमने लाल को लगा दिया हूँ, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर सप्लाई आ जाएगा, जो हमारा 240 वोल्टेज वहाँ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, हर एक स्विच में, दोनों स्विच में चला जाएगा। जब हम बटन को ऑन करेंगे तो हमारी हाफ वायर में पहुँच जाएगी, उसके बाद हमारा सॉकेट में करंट आ जाएगा तो चालू हो जाएगा। अब न्यूट्रल को देखिए, न्यूट्रल पर हम यहाँ पर लगाएंगे, हम आप में नहीं लगा सकते, न्यूट्रल काले में ही लगाएंगे, और यहाँ पर लगाने के बाद अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, तो ये भी न्यूट्रल हमारी काली हो गई और फेस हमारी हाफ हो गई। तो ये दोनों हमारे मेन तार हो गई जो कि निकलेगी बाहर, 240 वोल्टेज इसमें हम सप्लाई देंगे। तो कुछ इसी प्रकार से कनेक्शन इसका किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लेना पूरी वीडियो को, तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कैसे किया जाता है, पूरी जानकारी भी हो जाएगी अच्छी तरह से। आप वीडियो तो पूरा देखोगे तो सही से जानकारी आपको हो जाएगी कैसे क्या किया जाता है, क्या क्या बताया जाता है। तो इसी प्रकार से हमें कनेक्शन कर लेना है आपको, लाइन को, न्यूट्रल को, और कनेक्शन करते रहना है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें इसमें 2.5 mm की वायर उपयोग करना है, और उसके बाद इसे हमें सेट कर लेना है। इसके साथ पेच भी आया था तो पेच हमें लगा देना है, कस देना है। अगर दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।